आपको बता दें कि मामला बुलंदशहर के शिकारपुर थाना क्षेत्र के गांव कैलावन का है, जहां एक तारीख को काली शोभा यात्रा के दौरान दो चचेरे भाई गायब हो गए थे, जिनकी सरकटी लाश आज जो बगैर सिर के जिला संभल के इलाके में मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने घटना का खुलासा करते हुए बताया है कि अवैध संबंधों के चलते की गई थी दोनों चचेरे भाइयों की हत्या। हत्या में शामिल चार लोगों में से तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार आरोपी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बताया जा रहा है, जिस पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। ये थाना सलेमपुर में 1 तारीख की रात्रि में दो लड़के गायब हुए थे, जिस संबंध में थाने पर सुसंगत धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इनके इस मुकदमे में विवेचना के दौरान थाना की टीम और एसओजी टीम को लगाया गया था, जिसके क्रम में आज तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें पूछताछ के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो दो लड़के गायब थे वो सगे चचेरे भाई थे, और उन्हीं के गांव के दो सगे भाइयों ने और उनकी मां ने और एक अन्य व्यक्ति, कुल चार लोगों ने मिलकर इन दोनों की हत्या कर दी थी। पूछताछ पे जो आरोपित हैं उन्होंने ये बताया कि वो दो जो सगे भाई हैं उसमें से एक दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है और एक बीकॉम का छात्र है। जो बीकॉम का छात्र है उसका ये कहना था कि उसने इस मृतक में से एक को अपनी माताजी के साथ देख लिया था आपत्तिजनक स्थिति में, उसके बाद से उसने इसकी हत्या की प्लानिंग बनाई, और 1 तारीख को जब इसे मौका मिला तो इसने, इसके भाई ने अपने माँ के साथ और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर इन दोनों की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद बॉडी को संभल जिले में ले जाकर फेंक दिया। इनके निशानदेही पे एक बॉडी बरामद की गई, एक बॉडी पहले ही संभल जिले में बरामद कर ली गई थी, और इन चार में से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक इसमें से दौराने मुठभेड़ गिरफ्तार हुआ है, और जो इन दोनों की मां है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, और एक जो सहयोगी है उसे गिरफ्तार किया गया है। जो एक वांछित है वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं, उस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।